हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीबीसी सीजी जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इस नौकरी में जो टोटल पोस्ट अवेलेबल है वो है 92। इसी के साथ दोस्तों, इस पोस्ट का जो लिस्टिंग डेट है वो है 18 सितंबर का। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जानते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे कि जनरल ईडब्ल्यूसी ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए आपको यहाँ ₹750 जो है एप्लीकेशन फ़ीस देना है। इसी के साथ एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है ₹0। इसी के साथ अगर पेमेंट ऑप्शन की बात कर ले तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एवं भीम UPI से आप पेमेंट कर सकेंगे। इसी के साथ आप बात करें एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की तो वो है 18 सितंबर, लास्ट डेट जो है वो है 8 अक्टूबर और बाकी डिटेल्स आपको हम आगे वीडियो में देंगे, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 में जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, पहला जो पोस्ट अवेलेबल है वो है रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर स्केल 3 के लिए, जिसमें पास 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें CA CF है, MBA, PGDM, PG with relevant discipline। इसी के साथ MSc Statistics का, अगर इन सब में से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें इसमें एज क्राइटेरिया की, तो 25 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। इसी के साथ जो है रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर स्केल 2 के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट स्केल 2 के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं और इसमें भी सारी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सेम है। इसी के साथ अब बात कर ले रिस्क स्पेशलिस्ट क्रेडिट स्केल 3 के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एज की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ रिस्क स्पेशलिस्ट क्रेडिट स्केल 2 के लिए भी 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, रिस्क स्पेशलिस्ट इंटरप्राइज के लिए भी 1 पोस्ट अवेलेबल है। इसके साथ रिस्क स्पेशलिस्ट INDAS स्केल 3 के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं और सारी क्राइटेरिया सेम है। इसके साथ अगर बात कर ले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 की, तो यहाँ पे जो है पहला पोस्ट अवेलेबल है डिप्टी मैनेजर का, जिसमें टोटल पोस्ट 11 अवेलेबल हैं। डाटा साइंटिस्ट डिप्टी मैनेजर के लिए ये पोस्ट है, जिसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, MTech, इन सब की अगर आपके पास डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 24 to 32 ईयर्स। इसी के साथ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए अगर देखें तो सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट इसमें जो एज लिमिट है वो है 26 to 35 ईयर्स। इसी के साथ अगर बात कर ले डिप्टी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर के लिए, तो यहाँ 5 पोस्ट अवेलेबल है और इसमें जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो है 24 to 32 ईयर्स। इसी के साथ 23 नंबर की एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें तो इसमें डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो आपका मैक्सिमम एज होगा वो होगा 55 ईयर। आप बात कर लेते हैं 24 एडवर्टाइजमेंट की, तो इसमें जो है पोस्टल डॉक्टरल रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें PhD मांगा गया है बैंकिंग, फाइनेंस, IT, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में। इसी के साथ इसमें जो है 62 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है। इसी के साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 की बात की जाए तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट अवेलेबल है वो है डाटा ट्रेनर का, जिसमें 1 पोस्ट अवेलेबल है। डाटा ट्रांसलेटर का, जिसमें भी 1 पोस्ट अवेलेबल है। सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट का 1 पोस्ट अवेलेबल है। इसी के साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर का भी 1 पोस्ट अवेलेबल है। इन चारों पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वह है BE, BTech, CSA, IT के साथ ही या फिर MCA with experience। अब बात कर लें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे जो है डाटा ट्रेनर के लिए जो है 38 ईयर मैक्सिमम एज बताया गया है, डाटा ट्रांसलेटर के लिए 40 ईयर और सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 45 ईयर्स की मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दी गई है। इसी के साथ बात कर ले 26 एडवर्टाइजमेंट की, तो इसमें डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 28 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें BE BTech की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम एज जो है 25 to 40 ईयर है। इसके साथ मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए
5 पोस्ट अवेलेबल है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इसी के साथ 25 टू 35 ईयर्स की यहाँ एज लिमिट है। दोस्तों अगर इनमें से किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिए हुए लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर को चेक करें और यहाँ आके डाउनलोड कर लें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ।